आज पूरे देश के अंदर बीजेपी की सरकार है और सारे हिंदू हैं वो तकतकी लगाए, नजरें बिछाए बैठे हैं कि राम मंदिर कब बनेगा। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ये राम मंदिर कब बनेगा, उसके बारे में क्या बोलेंगे? ये बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है। एक्चुअली ज्वलंत मुद्दा है नहीं, ये ज्वलंत मुद्दा बना दिया गया जी। ये राम, आज मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे खुशी होती है इस बारे में बात करते हुए कि आज बाबा साहब की अदालत में राम हाथ जोड़े बैठा हुआ, भाई मेरा रख मंदिर कब बनवाओगे। आप देखिए राम की हालत क्या है, आज उसके धनुष बाण काम नहीं कर रहे हैं, उसका ब्रह्मास्त्र काम नहीं कर रहा है। आज राम की जितनी भी शक्तियां थी वो सारी शक्तियां समाप्त हो गई हैं और वो बाबा साहब के द्वारा प्रतिपादित अदालत के रहमो करम पर है। उस उम्मीद में बैठा है कि हे मेरे मालिक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कोई ऐसा रास्ता बताओ कि हमारा मंदिर बन जाए किसी तरह से। परंतु ये जो मंदिर है, मंदिर बनना ना बनना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ तक कि माननीयवर साहेब काशीराम साहब ने तो कहा मंदिर वंदिर छोड़ो, या मूत्रालय बनवाओ या शौचालय बनवाओ। शौचालय बनेगा तो कम से कम जो है आज ये बनवा रहे ना शौचालय, मोदी को समझ में आ गई बात। माननीयवर साहब ने ना जाने कितने साल पहले कह दिया था कि शौचालय होने चाहिए, इन्होंने समझ में आई है। तो वहां भी हालांकि माननीयवर साहब ने शौचालय कहा, पर मेरी व्यक्तिगत राय ऐसी है कि वहां एक ऐसा रिसर्च सेंटर बनाया जाए जहां रिसर्च हो, जहाँ बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रिसर्च हो, जहाँ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रिसर्च हो, जहाँ अल्टरनेट एनर्जी के रूप में रिसर्च हो, जहाँ कुछ ऐसा डेवलप किया जाए जो आने वाली नई जनरेशन के लिए फायदेमंद साबित हो, या वहाँ ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए जो इंटरनेशनल क्वालिटी का हो, या वहाँ ऐसा विश्वविद्यालय बनाया जाए जहाँ विभिन्न विषयों की जानकारी पूरे विश्व के छात्रों को दी जाती हो। तो ये जो मंदिर का मुद्दा है, ये मुद्दा केवल और केवल बीजेपी के द्वारा मनगढ़ंत मुद्दा है और इसके कोई प्रमाण इतिहास में उपलब्ध नहीं है। राम थे या नहीं थे, कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। और ये मुद्दा मंदिर का है ही नहीं, ये तो अयोध्या की विवादित जमीन के बंटवारे का मुद्दा है जिसपे मुकदमा चल रहा है। ये जो बीजेपी वाले हैं ये हमें बेवकूफ समझते हैं, ये पागल समझ रहे हैं, हमें बातों को घुमा घुमा के पेश कर रहे हैं। ये राम मंदिर का मुद्दा है ही नहीं, लिखित में कहीं भी राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा केवल केवल अयोध्या की विवादित जमीन का बंटवारा होना है, उसका मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने 3 टुकड़े कर दिए थे, अब वो टुकड़ों से सहमत नहीं थी तीनों पार्टियां, अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाल रखा है। 4.5 साल बीत गए, तब से नहीं याद आया था इनको मंदिर भी बनवाना, अभी याद आया क्योंकि चुनाव सर पर। तो ये राजनीतिक स्टंट है। और जो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बैठे हुए हैं गोगोई साहब, वो बड़े इंटेलिजेंट हैं और उनकी बुद्धिमत्ता पर मुझे पूरा भरोसा है, और वो जो निर्णय लेंगे वो देश हित में लेंगे, समाज हित में लेंगे और संविधान के दायरे में लेंगे। ऐसा कोई भी काम इस देश में नहीं हो सकता जो संविधान के खिलाफ जाकर के होगा। मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा ये राजनीतिक मुद्दा है, धार्मिक नहीं है।